हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं चित्रंजन। इस टाइम मैं हूं एक अननोन एंड ब्यूटीफुल प्लेस जिसका नाम है देवी द्वार। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यहां पे आओगे और यहां पे क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो। इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। भुवनेश्वर से देवी द्वार का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और कटक से देवी द्वार का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। यहाँ पहुँचने के लिए आपको दो सुविधा अवेलेबल है, एक है टैक्सी और दूसरा है बस। देवी द्वार बांकी जाने वाले रास्ते में ही पड़ेगा। आप कटक या भुवनेश्वर से डायरेक्ट बस भी चलती है बांकी के लिए। आप उस बस में बैठ के आप देवी द्वार में आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर को जाने से पहले हम पहले चलते हैं नदी के पास, वहां पे देखते हैं क्या क्या है। वहां पे काफी सारे बैठने के लिए जगह बना हुआ है, आप वहां बैठ के इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। आप इस जगह को चाहे विंटर सीजन हो या समर सीजन, किसी भी टाइम यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जो आपको सामने दिख रहा होगा। इस आइलैंड को टर्टल आइलैंड बोला जाता है। आप इस जगह पे नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं, जो नाइट कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। इस टर्टल आइलैंड में नाइट कैंपिंग देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँच जाए। पर्सनली मैं बोलूँ, यहाँ पे आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं नदी के उस पार एक बड़ा सा पहाड़ है, बीच में बह गए उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी जिसको महानदी बोलते हैं, और नदी के किनारे पे बना हुआ है माता रामचंद्र का मंदिर। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, लगभग 400 ईयर्स ओल्ड, एंड इस जगह को आने के बाद आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको इस जगह पर ऐसे लोकल बोट पर बोटिंग करने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको जो टर्टल आइलैंड दिखा रहा था, आप उस जगह को इस बोट में भी जा सकते हैं। इस मंदिर का काफी पुराना हिस्ट्री है। यहाँ के लोग ये बोलते हैं, जब राम लक्ष्मण सीता माता वनवास करने के लिए आए थे, कुछ दिन यहाँ पे रुके थे। उस टाइम वहाँ पे पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भगवान राम जी ने वहाँ पे एक चंडी मंदिर बनाए थे। राम जी के नाम के हिसाब से उस मंदिर का नाम रखा गया रामचंडी मंदिर। चंडी मंदिर को लग के एक शिव मंदिर भी है। उस मंदिर को लक्ष्मण जी ने बनाए थे, तो लक्ष्मण जी के नाम के हिसाब से उस मंदिर का नाम रखा गया लक्ष्मणेश्वर टेम्पल। इस एरिए को माता सीता के नाम पर रखा गया है देवी द्वार। यहाँ पे घूमते घूमते कभी शाम हो गया पता भी नहीं चला, तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो आते टाइम हमने इस रोड का व्यू नहीं दिखाए थे, काफ़ी अच्छा व्यू है, अब सोचा जाते टाइम आपको दिखा लेते हैं। ये है उस रोड का व्यू। अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं, तो प्लीज़ अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कर लेना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं और एक न्यू जगह और न्यू वीडियो के साथ।